हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए मैसेजेस लेकर, आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। सबसे पहले हम देखेंगे अल्फ़ाबेट से कौन सी पाइल निकल कर आती है, बिकॉज़ मैं यहाँ पर दो पाइल क्रिएट करूँगी। तो जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर पहली पाइल में रहेगा उनके लिए पाइल वन, जिनके नाम का फर्स्ट लेटर दूसरी पाइल में रहेगा उनके लिए पाइल टू। ऐसे आपको पाइल सेलेक्ट करने में भी आसानी होगी। सो शुरू करते हैं, देखते हैं पाइल वन में किन लोगों को मैसेजेस मिलने वाले हैं। आपको आपके नाम का फर्स्ट लेटर से देखना है, ठीक है? आपके नाम का फर्स्ट लेटर, ओके? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, पाइल वन में किन को मैसेजेस मिलने वाले हैं। ओके, एक बार और करने को बोल रहे हैं। ओके, इतने लोगों को पाइल वन में मैसेजेस मिलेंगे। सो अगर आपका नाम एम से है, अगर आपका नाम ए से है, अगर आपका नाम सी से है, आर है, जेड, पी, डब्लू, आई एंड जे, अगर इन लेटर्स से आपका नाम है तो पाइल वन है आपके लिए, ठीक है? शुरू करते हैं, बाकी सभी लेटर्स पाइल टू में गए। पाइल वन वालों के लिए क्या मैसेज है एंजल्स? पहला मैसेज है आपके लिए सेवन ऑफ वांड्स। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन से वो परेशान हो चुके हैं, जिनके पर्सन से बात तक करने का आपका मन नहीं करता, क्योंकि ये पर्सन आता तो है बट फिर चला जाता है। आपको समझ नहीं आता कि ये पर्सन आता ही क्यों है अगर जाना है तो। तो इनका मैसेज है कि अब कि ये आएंगे तो टिकेंगे, ये आएंगे तो स्टैंड लेंगे, ये आएंगे तो आपके लिए लड़ेंगे झगड़ेंगे बट आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन शादी को लेकर कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं बहुत समय से, तो अब आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये आपकी तरफ शादी का प्रपोज़ल लेकर आना चाहते हैं। बहुत जल्द हो सकता है आपको इनकी तरफ से शादी से रिलेटेड कोई मैसेज रिसीव हो। कमिटमेंट को लेकर ये अपने परिवार में बात करने की सोच रहे हैं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की सोच रहे हैं। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, तो हो सकता है बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव हो। आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी ओल्ड चैट्स पढ़ना, आपकी फ़ोटोज़ देखना, आपके सोशल मीडिया को सर्व करना। यहाँ पर हो सकता है कि अगर आपने इन्हें कोई ऑडियो भेजा है, कोई वीडियो भेजा है या किसी भी तरह का कोई गिफ्ट है इनका, इनके पास आपका, ये उन मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। देन यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनके पर्सन उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली दे आर वेरी पॉजिटिव फॉर यू, दे आर वेरी प्रोटेक्टेड टूवर्ड्स यू। आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो जिनके भी नाम का फर्स्ट लेटर ये है, अगर आपके नाम का पहला अक्षर इनमें है, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही जल्द बहुत सारी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है आपके पर्सन की तरफ से। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आपके पर्सन की लाइफ में कुछ सिचुएशंस थी बहुत टाइम से, तो यहाँ पर कोई टावर मोमेंट भी आया है। हो सकता है इनके लाइफ में कोई बवाल मचा हो या इनके लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ झेला हो पास्ट में या रिसेंटली, तो ये आपसे वो भी शेयर करना चाहते हैं कि ये किस प्रॉब्लम में थे। यहाँ पर कोई फाइनेंशियल ट्रिगर इनको मिला है रिसेंटली, हो सकता है कि इनकी जॉब पे या इनके बिजनेस पे किसी तरह का इफ़ेक्ट आया हो, जजमेंट, इनको इनके ही कर्मों की सज़ा मिली है। ऐसा इनको लग रहा है कि शायद इन्होंने गलत कर्म किए हैं, शायद इन्होंने किसी का दिल दुखाया, इसलिए इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो अब इनको रियलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग वे में हो रहा है, आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना कर पाने की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, ऐसा भी इनको लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ कप्स, तो ये आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। ये मैसेज है पाइल वन के लिए, फटाफट क्लेम कीजिए पाइल वन। मिलते हैं पाइल टू की रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने भी पाइल नंबर टू सेलेक्ट किया है रिमेनिंग ऑल द अल्फ़ाबेट्स, तो यहाँ पर है डी एस एच क्यू टी एक्स एफ ओ के एन ई बी वाई जी एल यू वी, ये सभी अल्फ़ाबेट्स जिनके भी हैं, आपको आपके नाम का फर्स्ट लेटर से ये रीडिंग देखनी है। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन का मैसेज क्या है अभी इस वक्त आपके लिए।
ओके, पहला मैसेज आ गया हमारे पास। तो पहला मैसेज है फाइव ऑफ कप्स। पहला मैसेज यहाँ पर है कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन ये किसी मजबूरी में हैं जिसके चलते ये आ भी नहीं पा रहे, ये आपकी तरफ आ भी नहीं पा रहे, ये आपको मैसेज भी नहीं कर पा रहे, ये आपको बताना चाहते हैं बहुत कुछ बट बता भी नहीं पा रहे। कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से ये सफरिंग में है, स्ट्रेस में है। डेफिनेटली टू ऑफ पेंटिकल्स, ही और शी इज़ जगलिंग बिटवीन टू सिचुएशंस। दो सिचुएशन है, बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे, इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद है, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, आपके साथ बैलेंस नहीं बना पा रहे, अपने फैमिली के साथ बैलेंस नहीं बना पा रहे। ये आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं, नज़र बहुत ज़्यादा रखते हैं, इनको ऐसा लगता है कि शायद मैसेज करूँ, बात करूँ, छुप छुप के देखते हैं आपको, ये वेट कर रहे हैं सही टाइम का, इनको ऐसा लग रहा है कि सही समय आने दो फिर हम कम्युनिकेट करेंगे, या ये परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि ये जब वापस आएंगे तब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, इनको हमेशा से ये विश्वास रहा है कि ये जब भी वापस आएंगे आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे। कई बार इनको हर्ट भी होता है, पेन भी होता है, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, या इन्होंने आपको बहुत सारे वादे करके इन्होंने आपको चीट कर दिया है, आपके पीठ में 10 खंजर घोंपे हैं। तो इनकी लाइफ में जब इनको स्ट्रेस हो रहा है तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मैंने गलत किया है तो अब मेरा टाइम है परेशान होने का। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी तरफ किसी तरह का छोटा मैसेज करने की इनकी बहुत इच्छा है, तो हो सकता है बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से कोई शॉर्ट मैसेज रिसीव हो। टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है कि ये थोड़ा मैनिपुलेशन करें आपके लाइफ में आकर, या ये ड्रीम में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। साथ ही साथ कोई क्विक डिसीजन भी ये लेने वाले हैं, इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में बहुत टाइम से ठहराव है तो इस रिश्ते में थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए, जो भी हो जैसा भी हो, आपका गुस्सा आपका प्यार सब इनके सराखों पर, लेकिन ये वापस आकर एक बार आपको फेस करना चाहते हैं, इनके अंदर वापस आने की हिम्मत ही नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्द कोशिश करके आपकी तरफ रिटर्न आ सकते हैं। तो ये थी गाइज, इस पाइल में ये भी मैसेज है कुछ लोगों के पर्सन का कि यहाँ पर आप दोनों में डिफरेंसेस हैं। मे बी कुछ लोग ऐसे हैं इस पाइल में जो ऑलरेडी मैरिड हैं, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, या फिर यहाँ पर एज या कास्ट डिफरेंस हो सकता, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपके पर्सन ना चाहते हुए भी पीछे हटे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में इसका निष्कर्ष आपको देखने को मिलेगा। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।